हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भावुक सिंह, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक द वे ऑफ सक्सेस में। तो हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही थी, रेशो एंड प्रोपोर्शन, मैंने आपका स्टार्ट किया हुआ था। आई होप कि सबको अच्छी लग रही होगी और सब अच्छे से उसके क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। सिंपल क्वेश्चन हमने कराए थे, आज थोड़ा सा मॉडरेट टाइप लेके चलते हैं, हल्का सा हार्ड चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिंपल से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कमेंट एट अ टाइम, मैं आपको जब भी उसका सॉल्यूशन के बारे में या उसके जो भी रिवीजन है या रिपीट है, मैं उसको आपको दोबारा से बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन करा दिए हैं, अब हम हल्का सा हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक ही टाइप के, यानी कि ये तीन क्वेश्चन है जो सेम टाइप के हैं, जो आपके लिए मैं चाहता हूं कि मुझे आपको अलग अलग ना बताना पड़े, मैं सबको एक ही तरीके से आपको समझा दूं। अगर आप चाहते हैं पहला क्वेश्चन देख के खुद कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। देखिए, ऑप्शन क्यों नहीं दिए हैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको हर चीज के क्वेश्चन दूं, ठीक है? फिर क्या करोगे, आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज को अच्छे से पढ़ के चलना है, अच्छे से समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमको ट्रिक करनी है या तुक्का लगाना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, एक्स अनुपात वाई इज इक्वल टू 4:5, तो हमें 3x+y और अनुपात 5x+3y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपको दी हुई होती है, इसमें सिर्फ आपको बच्चों वाला काम करना है, जो बच्चे करते हैं ना पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में, सिर्फ वो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है और आपको इतने अनुपात इतने का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए, 3x, ये 3x है, तो 3 × x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4+y, वाई की वैल्यू कितनी है, 5, ये लो रेशो, 5x × x की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आप इसको नहीं कर सकते, 3 × 4 और 5 × 17 अनुपात, 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15 कितने हो गए, 35 हो गए। तो ये लो आपका आंसर आ गया 17:35, ठीक है, 17:35 आपका सही आंसर है। अगर देखो ये वैल्यू कट सकती थी तो आप इसको काट लेते, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम करेंगे उसमें वैल्यू कट जाए। इतना करना है बस, आपको एक्स वाई की वैल्यू वहां से रख के यहाँ पर रखनी है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो 4x 5y, 5x 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, 4x, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 5 × y की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये लो अनुपात, 5 × x की वैल्यू कितनी है, 3 है, -2 × y की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये लो। अब इसको सोल्व करते, 4 × 12 = 5 × 20, तो ये हो गया 32 रेसो, 5 × 3 = 15 और 4 × 2 = 8, 15 में से 8 घटा दोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये लो 32:7, 32:7 आपका आंसर है सही। बताओ कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चा बच्चा कर देगा। एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और फॉर्मूले में यहाँ पर आपको फिट करनी है जो आपको पूछा हुआ है, सिर्फ इतना करना है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये कट सकती थी तो हम इसको काट देते, अगर यहाँ 8 होता तो 8 × 32, 1:5 = 4 या 4:1 आपका आंसर आ जाता। अब ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, 8 × x की वैल्यू 5 है, प्लस 9 × y की वैल्यू 2 है, 8 × x, x की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस 2 × y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये लो। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर, शायद आपको चमके ना, तो इसको इधर लिख देता हूँ, 8 × 5 = 40 और 9 × 2 = 18, तो 58 आ गई रेसो, 8 × 5 = 40 और 2 × 2 = 4 = 44। अब देखो, ये 58 और 44 है, ये वैल्यू कट सकती है, किससे कटेगी, वो आप इसको काट लो। अगर मैं इसको यहां से, शायद आपको ना चमके, मैं इसको यहां पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, 58 = 44 आंसर है, 58 रेसो 44। अब इसको आप चाहे 2 से काट दो, ये जिस चीज से वैल्यू कट सकती है उससे काट दो, 2 × 4 = 1 × 18 रेसो 2 × 4 = 2 × 4 = 29, 29 और 22, 29 रेसो 22 आपका सही आंसर है, 29 रेसो 22, ठीक है। अब ये वैल्यू और कट नहीं सकती तो इसको हम इसलिए और नहीं काट सकते, अगर ये कट सकती थी तो हम इसको काट लेते जहां तक ये लास्ट तक कटती। ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है, उल्टी भी वैल्यू दी हुई होती है बट आपने जैसे वैल्यू फाइंड किया वैसे ही आपको बतानी होती है, जैसे वो वैल्यू पूछी हुई है
उस टाइप से आपको बतानी पड़ती है। आई होप कि तीनों टाइप जो क्वेश्चन है ये एक ही टाइप के हैं, तीन क्वेश्चन ये आपके समझ में आए होंगे। अब इससे हल्का सा और थोड़ा सा इससे हम हार्ड क्वेश्चन करते हैं, हार्ड नहीं है वो भी ऐसे ही है, थोड़ा अलग टाइप है, ठीक है। तो चलिए उन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा हार्ड टाइप में है, थोड़ा शायद किसी के लिए बहुत ज्यादा भी हार्ड हो सकता है, बट इतना भी हार्ड नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाए। दो तरीके बताऊंगा क्यों, एक तो बेसिक जो बिल्कुल पता होना चाहिए जिसको आप थोड़ा टाइम लेके कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी ट्रिक। ट्रिक तो ये है अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना बेसिक जिंदाबाद। बेसिक भी ऐसा बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक के जैसा, ठीक है, और ट्रिक भी ऐसी बताऊंगा बिल्कुल बेसिक के जैसी, दोनों में इक्वल ही टाइम लगेगा, बस थोड़ा करने का है। एक में आप ज्यादा बार सॉल्यूशन करने से बच जाओगे, एक में आप सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। देखिए इन्होंने बोला है संख्याएं 7 16 इज इक्वल टू 43 अपॉन 79, ठीक है। अगर ये संख्याएं समानुपाती करती जाए, ठीक है, समानुपाती करनी है तो इनमें 5, 2, 3 में से क्या जोड़ना पड़ेगा, यह ननौती कि इनमें से आंसर हमारा हो भी ना। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, अगर आपको बेसिक से लेके चलना है क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको बेसिक से लेके चलना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप वैल्यू लिख लो, 7 अपॉन 16 इज इक्वल टू 43 अपॉन 79। अब इन्होंने बोला कि क्या जोड़ा जाए, अगर बात है जोड़ने की, सबको पता है कि प्लस होती है वैल्यू, तो मैंने मान लिया कि सब में एक्स जोड़ देंगे, ठीक है, सब में एक्स जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाएंगी। तो अब हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम कर देंगे आपने पढ़ी होगी ब्रज गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम जब 7 की करेंगे 79 में मल्टीप्लाई, तो 7 ने 63 हासिल लगे, कितने 6 लगे, 7 7 49 और 6 55 ये हो गया 553 प्लस 7x प्लस 79x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 की 43 में कर दो, 16 2 32 16 3 48 हासिल लगे 4, 16 4 64 और 4 68 ये लो प्लस 16x प्लस 43x और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नॉर्मल सी बात है, इनको जोड़ दो एक्स एक्स को इधर इधर, ठीक है, तो कितने हो गए एक्स एक्स जोड़ के 86x, ठीक है, और प्लस में 553 इज इक्वल टू ये कितने हो गए 649 और 10 59 59x प्लस 688, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको इधर ले आए तो माइनस, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस, जब 59 को घटाओगे 86 में से तो कितना बचेगा, 16 में से मिला हुआ 7 बचेंगे और इधर 7 बचा, 7 में से 2 5 गए 2 बचेंगे 27x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो घटा दो 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3 और 6 में से 5 गए 135। अब एक्स की इससे काट दो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 5 10 100 और 7 5 35 135, तो 5 बार कट के आ जाएगी वैल्यू, तो x बराबर कितनी वैल्यू आई 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम सब में 5 5 जोड़ दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, कैसे होगी वो देख लो, अगर मैं 7 में 5 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 12 अपॉन 16 में 5 जोड़ दूं 21 इज इक्वल टू 43 में 5 जोड़ दूं 48 और 79 में 5 जोड़ दूं तो 84 बारह चौक 48 21 चौक 84 होगी समानुपाती, बताओ कोई प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको इस मल्टीप्लाई से बचना है, यही तो आप चाह रहे हो, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी नहीं जरा सी, बिल्कुल ठोटो लुलो हो, बिल्कुल हर चीज में ट्रिक घुसा दो, तो चलो कोई नहीं ट्रिक भी समझो, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, ये लो यही बताता हूं डायरेक्टरी, अब ट्रिक देखो मैंने क्या करा, सीधा
मुझे पता है कि समानुपाती करने का मतलब क्या है, उन्होंने बोल दिया कि क्या जोड़ा जाए, तो सब में जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन है मेरे पास तीन, एक एक ऑप्शन को उठाऊंगा जोड़ दूंगा। सबसे पहले पांच को ही ले लूं, सात और पांच जोड़ दिया, पांच पांच जोड़ दिया, सब में कितना हो गया 12, 21, 48 और ये 84। 12 चौक 48, 21 चौक 84 हो गया समानुपाती, खेल खत्म। यही, ये ऑप्शन सही है और बाकी सब गलत है। अब इनको अगर आपको एक बार चेक करना है, कुछ ज्यादा ही होशियार बनना है आपको बहुत, तो आप क्या करोगे, ये लो 7 और 2 कितने हो गए 9, 16 और 2 18 = 43 और 2 45 अपॉन 79 और 2 81। 9 पंजे तो 45 होते हैं, क्या 18 पंजे 45 होते हैं, 18 पंजे तो 90 हो गए भैया, ये ऑप्शन गलत। अब 3 ले लो, 7 और 3 10 अपॉन 16 और 3 19 = 43 और 3 46 और कितना है 79 और 3 82 हो रहा है 10 10, मतलब ही नहीं है। एक 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 थोड़ी हमें समानुपाती करनी है, मतलब दोनों करनी है, और नन ऑफ बीच का तो मतलब ही नहीं क्योंकि हमारा एक ऑप्शन सही है। हो गया, मैं सीधे यहां पर वैल्यू रख दूंगा उठा के ऑप्शन की, मैक्स से बच जाऊंगा। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो चलिए करते हैं उसको भी। 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में क्या घटाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए इस टाइप में अब क्या है, यहाँ पे आपको दो चीज कम कर दी, पहली कि इन्होंने बोल दिया कि क्या घटाए, ठीक है, दूसरी यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज दी हुई है, और तीसरी इन्होंने अनुपात दे दिया कि हमें 1:2 का अनुपात चाहिए, कि हमको तो भैया इसमें से ऐसे क्या आप घटाओगे कि हमको 1:2 का रेशो मिल जाएगा, यानी कि 1:2 का अनुपात मिलेगा, तो उसको कैसे करना है। देखिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम आपके हाथ में था जो बताया है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू बता दिया है कि ऑप्शन के थ्रू आपको कैसे करना है। जोड़ने वाली बात है जोड़ेंगे, घटाने वाली बात है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया कि 17:24, ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि प्रत्येक में से क्या घटाए, तो घटाए तो माइनस हो जाएगा, हमने एक्स घटा दिया और अनुपात बोल दिया 1:2 का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 17 × 2 = 34 माइनस 2x बराबर 24 × 1 = 24 माइनस और एक्स, क्योंकि एक की वैल्यू तो एक्स होगी। अब इस एक्स को इधर ले आओ, ये इस 2 को इधर ले जाओ, तो अब वैल्यू क्या बचेगी, एक्स बराबर 34 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 24 को उधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 10। आंसर आ गया आपका एक्स बराबर 10। अगर आप 17 में से 10 घटाओगे 7 बचेगा, और अगर आप 24 में से 10 घटाओगे 14 बचेगा, काट दोगे वैल्यू तो 1/2 का रेशो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन खत्म, बताओ। ये तो एक ही लाइन में हो गया, अगर आप सही से करोगे, यहां से देख लो भाई 17 × 2 = 34 24 = 24 10 बचा, 2 × 2 x, x = x, तो 1 x बचा तो x 10 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको हर चीज मतलब शॉर्टकट में करनी है, थोड़ी सी लंबी कर लो भाई, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप लंबा क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन भी आपका विद इन 10 सेकंड या 12 या 15 सेकंड, मतलब हद से 20 सेकंड में हो जाएगा। अब क्या करना चाहते हो कि 1 सेकंड में लिया होगा आंसर, इतने महान हो, इतने महान होते तो तैयारी करते, तो इसलिए हर चीज को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिविजन करो, और जितनी ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि हर चीज दिमाग में हो जाएगी, हर चीज दिमाग में फिट नहीं होती है, करनी पड़ती है कुछ चीजें, तो इसलिए बेसिक पता होना जरूरी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आए तो चैनल को यहीं सब्सक्राइब कर दो और अपने साथ 4 फ्रेंड में भी शेयर कर दो। तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, थोड़े से इसी टाइप के हैं वो भी, तो चलिए उनको भी देख लीजिए। देखो मैंने आपको अभी तक 2 टाइप करा दिए हैं, पहला जिसमें कोई संख्या दी हुई है उनको समानुपाती करना है क्या जोड़ा जाए, सेकंड जिसमें आपको कुछ घटाना है और वो क्या घटा के इतना रेशो हो जाए। अब तीसरा टाइप है कि 2 संख्याएं दी हुई है 9 और 16 के अनुपात में, ये अनुपात में दी हुई है 2 संख्याएं, ये संख्या नहीं है 9 और 16, ये अनुपात में दी हुई है, प्रत्येक में 15 हमने जोड़ दिया, तो जो नया अनुपात है वो 2:3 हो गया, तो हमको संख्या बतानी है, ऑप्शन आपको दिए होंगे सेम, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ट्रिक सब में सेम लगानी है, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इस टाइप में, जो मैं आपको अभी तक करा रहा हूं, जब तक मैं नई ट्रिक आपको नया बताऊं तब तक, तो बेसिक से आपको ये कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूं। पहले ये मैंने कोई संख्या मान ली 9x और ये मान ली कितनी है 16x, और इन्होंने बोल दिया कि प्रत्येक में यानी कि दोनों में,
15 की हमने वृद्धि कर दी है, लो दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो इन्होंने बोला जोड़ दिया तो अनुपात 2-3 हो गया, ये लो भैया 2-3 हो गया अनुपात, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेम पैटर्न, ये लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, उसके बाद 9 × 27x + 15 × 45, 16 × 32x + 15 × 30। देखो 15 उधर चले जाएगा, 15 बचेगा, नॉर्मल सी बात है। और ये 32 इधर आएगा तो माइनस, या इसे उधर ले जाओ तो माइनस, वैल्यू कितनी बचेगी, 5 बचेगी शायद, 5x। तो x निकाल ली, कितनी आ गई, 5 × 3 = 15, 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। जब हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई तो उन्होंने क्या पूछा कि संख्याएं बतानी है, संख्याएं क्या है, 2, 9 और 16 के अनुपात में। तो 9x = 9 × 3, 9 × 27, उसके बाद 16x, 16 × 3 = 48। ये लो 27 और 48 वो दो संख्याएं हैं जिसमें हम 15 बढ़ा दें तो अनुपात 2-3 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो देखो 27 में आप 15 जोड़ दो, 10 जोड़ दिया 37, और 5 जोड़ दिया 42, ये लो। और 48 में आप कितना जोड़ दो, 48 में आप 16 है ना, तो 48 में आप अगर 3 जोड़ दोगे, सॉरी 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 58 58 और 5 58 और 5 58 और 5 कितना हो गया, 58 और 5 = 63 हो गया शायद, है ना, ये लो 63, 21 × 42, 21 × 63 होगी ना, होगी दोनों पर, बताओ कोई दिक्कत, 21 से काट दो, 21 से 63, 21 × 42 अनुपात आ गया 2-3। अगर आपको कोई डाउट है तो 27 और 48 वो संख्याएं हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और एक दो दो देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपने वो कर लिया तो समझो ये टाइप भी आपका खत्म। उसके बाद हमारा कुछ टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसमें समानुपात अनुपात में। उसके बाद मैं इसके आपको बिल्कुल हार्ड वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो मस्त वाले क्वेश्चन जिनको पढ़ने के लिए ही शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उससे पहले आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते जाइए। देखो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, 2 संख्या 3, 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12-23 हो जाता है, तो संख्या ये बतानी है। सेकंड है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि संख्या समानुपाती हो जानी चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन है, आई होप कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। जो भी मेरे को उनका सही आंसर सबसे पहले देगा, टॉप 5 स्टूडेंट में जो भी मतलब जिनके भी आंसर होंगे उनके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, ठीक है, जो सबसे ऊपर ही चमकेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।